सालों से राजस्थान की जनता के मन में एक सवाल है कि 2023 के बाद राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अगर कांग्रेस रिपीट होती है तो क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर से कमान संभालेंगे या फिर सचिन पायलट को मौका मिलेगा, और यदि भाजपा आती है तो मुख्यमंत्री जो पद है वो वसुंधरा की झोली में जाएगा या आलाकमान किसी और पर भरोसा जताएगा। लंबे समय से यह सवाल लोगों के मन में कौंध रहा था, लेकिन जैसे ही आज सचिन पायलट ने अपना नामांकन दाखिल किया, नामांकन दाखिल करने के साथ ही अब ये सवाल राजस्थान की जनता के मन से गौण हो चुका है। जी हाँ, क्योंकि सचिन पायलट ने अपने एफिडेविट में जो बातें सामने रखी हैं वो अब चौंकाने वाली है। सचिन पायलट ने साफ कर दिया है कि सारा अब्दुल्ला से उनका तलाक हो गया है। ये तलाक कब हुआ, कैसे हुआ, ऐसा क्या हो गया कि सारा और सचिन को तलाक लेने की नौबत आ गई। इन दोनों के रिश्तों में लंबे समय से कड़वाहट चली आ रही थी। 2018 में जब सचिन पायलट ने उप मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली थी तो उस शपथ के दौरान सारा पायलट और उनके दोनों बच्चों, इसके साथ ही उनके ससुर फारूक अब्दुल्ला को भी उस सभा में देखा गया था। लेकिन उसके बाद से ही सारा पायलट लोगों की नजरों से बचती हुई नजर आई। ना तो वो सचिन पायलट के साथ नजर आई और ना ही सचिन पायलट के जब राजस्थान की राजनीति में वो घटनाक्रम हुआ जब वो सरकार से अकेले लड़ रहे थे, इस दौरान भी सारा पायलट सचिन पायलट के साथ नजर नहीं आई। तब से ही कयास ये लगाए जा रहे थे कि इन दोनों के बीच में कड़वाहट इतनी फैल गई है कि अब ये दोनों एक नहीं होंगे। लेकिन जब टोंक में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में सचिन पायलट ने नामांकन दाखिल किया तो उस नामांकन में बताया कि सारा पायलट से उनका तलाक हो चुका है। सचिन पायलट और सारा पायलट की यहाँ चर्चा हो रही है तो इनकी प्रेम कहानी की चर्चा होना भी लाजमी है। आपको बता दें कि जनवरी 2004 में इन दोनों की शादी हुई थी, लेकिन जो इनकी शादी थी वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में ये दोनों साथ पढ़ते थे। 3 साल लंबा इनका प्यार था। पढ़ाई पूरी होने के बाद सचिन पायलट दिल्ली लौट आए तो सारा अब्दुल्ला अमेरिका में ही रह गई, लेकिन दोनों का ये प्यार बरकरार रहा। और अंत में इन दोनों ने फैसला लिया कि अब इस प्यार को एक रिश्ते का नाम दिया जाए। हालांकि सारा अब्दुल्ला की जो परिवार था वह इस शादी से नाखुश था, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उनकी ये बेटी हैं, उमर अब्दुल्ला इनके भाई हैं। तो ऐसे में इस शादी को सारा अब्दुल्ला के परिवार से विरोध देखने को मिला। हालांकि सचिन पायलट के जो परिवार वाले थे वो पूरी तरीके से इन दोनों के रिश्ते से खुश थे। जब जनवरी 2004 में इन दोनों की शादी हुई तो फारूक अब्दुल्ला के घर से किसी ने भी शादी में हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन कहते हैं कि वक्त हर जख्म को भर देता है, कुछ ऐसा ही इन दोनों के रिश्ते में हुआ। धीरे धीरे फारूक अब्दुल्ला ने सचिन पायलट को अपने जवाई के रूप में स्वीकार कर लिया। इनका रिश्ता बड़ा ही प्यार और मोहब्बत से चला। इनके दो बेटे भी हैं। अगर इनके बेटों की बात की जाए तो दोनों ही बड़े प्यारे हैं और सचिन और सारा दोनों ही इनसे प्यार करते हैं। एफिडेविट जो दिया गया उसमें स्पाउस वाले कॉलम में उन्होंने डाइवोर्स लिखा है, तो वहीं जो उनके बच्चे हैं उनमें दोनों ही बच्चों का नाम लिखा है। आपको बता दें कि सचिन पायलट जब लोकसभा में चुने गए थे और उनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया था, उससे पहले ही सचिन पायलट शादी हो चुकी थी सचिन पायलट। ये तो बात हो गई सचिन पायलट की प्रेम कहानी की। अब बात कर लेते हैं साल 2018 से लेकर 2023 तक। देखिए, 2018 में चुनाव होते हैं, राजस्थान की जनता को लगता था कि सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन आलाकमान से चुनावी समीकरण कुछ ऐसे बदले कि ये पद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की झोली में जा गिरा। इसके बाद जो कुछ हुआ वो पूरी राजस्थान ही नहीं पूरी भारत की जनता जानती है। 2020 में सचिन पायलट ने विरोध का बिगुल बजाया, लेकिन इस आक्रोश को दबा दिया गया। आलाकमान ने सचिन पायलट को मनाने में कामयाब रही, लेकिन अब जनता ये नहीं जानती है कि सचिन पायलट दो युद्ध लड़ रहे थे, एक राजस्थान की राजनीति के अंदर तो एक अपने परिवार के अंदर। एक युद्ध को वह पूरी तरीके से छुपाए हुए थे, सिर्फ सचिन पायलट ही उसकी हकीकत जानते हैं। एक युद्ध को पूरे देश ने देखा जो उन्होंने अशोक गहलोत के खिलाफ लड़ा था। ऐसे में सचिन पायलट का नामांकन के दिन ये खुलासा करना कि उनका सारा पायलट से तलाक हो चुका है,
ऐसे में अब पूरे राजस्थान की जनता की सिंपैथी एक बार फिर से सचिन पायलट की ओर मुड़ चुकी है। सचिन पायलट का नामांकन में खुद को तलाकशुदा बताना, यानी कि राजस्थान की जनता को उन्होंने ये बताया है कि उनके परिवार में सब कुछ सही नहीं चल रहा था, इसके बावजूद भी उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। परिवार के अंतर्द्वंद से बाहर आकर उन्होंने न सिर्फ राजस्थान की जनता से जो वादे किए थे वो पूरे करने में पुरजोर कोशिश की, साथ ही अपनी ही सरकार से लड़ते रहे। ऐसे में अब देखना होगा कि सचिन पायलट का 25 नवंबर को जहां मतदान होना है उससे ठीक पहले अपने नामांकन में ये बड़ा खुलासा उनको कितनी हमदर्दी देता है, उनको कितनी सिंपैथी देता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस एफिडेविट ने साफ कर दिया है कि 19 साल से जो सारा पायलट और सचिन पायलट का जो रिश्ता था वो खत्म हो चुका है। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज़, मैं हूं ललित वर्मा।